Hello students, in the last class we will learn about the skeletal structure of a snail and skeletal structure of a cockroach. Today we will learn about the skeletal structure of a snake and skeletal structure of a bird. To understand this, we will watch a video. First of all, we will learn about the skeletal structure of a snake. About the skeletal system of snakes and how it helps them move. Snakes have a long, strong and flexible backbone. They have many thin muscles. Their muscles interconnect with the backbone, ribs and skin. A snake moves by making loops. When a snake curves its body into many loops, each loop pushes back against the ground, helping it move forward. Carefully look at the movement of a snake. Observe carefully how its body is curved into many loops. These loops are pushing the snake against the ground, helping it move forward. In this video, we learned that snakes have a long, strong, and flexible backbone. Their muscles interconnect with their backbone, ribs, and skin, and they move forward by making loops. सो स्टूडेंट्स, जैसे आपने वीडियो में देखा अबाउट द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्नेक कि कैसे उनका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है वो उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. स्नेक हैव अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बैकबोन. बच्चे जो स्नेक्स होते हैं ना, उनमें एक लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल उनकी जो बैकबोन होती है वो लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं. देयर मसल्स इंटरकनेक्ट विद देयर बैकबोन, रिब्स एंड स्किन. जिनकी मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं कि उनकी बैकबोन, उनकी जो रिब्स और उनकी स्किन के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं. देन अ स्नेक मेक कर्व्स इनटू मैनी लूप्स. ईच लूप ऑफ द स्नेक्स बॉडी पुशेस बैक अगेंस्ट द ग्राउंड एंड हेल्पिंग इट मूव. सो स्टूडेंट्स, जो स्नेक की बॉडी होती है, ठीक है, वो अपनी बॉडी को कर्व करता है इनटू मैनी लूप्स, ठीक है, जो वो लूप्स बनाते हैं, ठीक है, वो हर लूप उनका, स्नेक्स की बॉडी का हर लूप उनको पुश करता है अगेंस्ट द ग्राउंड, जो उन्हें आगे चलने में मदद करता है. ये देखिए, ऐसे वो अपनी बॉडी को कर्व करते हैं, लूप्स बनाते हैं, ठीक है, और उनका जो हर लूप होता है उनको पुश करता है अगेंस्ट द ग्राउंड, जिससे वो आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, ठीक है. नाउ वी विल लर्न अबाउट द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बर्ड. फॉर दिस वी विल वॉच अ वीडियो. हेलो स्टूडेंट्स, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट इज पॉसिबल फॉर बर्ड्स टू फ्लाई? इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द अडैप्टेशंस इन बर्ड्स that help them fly. Besides flying, a bird can walk, hop, and run as well. Let's see how birds move. The forelimbs of birds are modified to be wings. Their breastbones hold flight muscles, which are used to move their wings up and down. Their shoulder bones help them fly long distances. Birds have a special modification in their skeletal system that makes them suitable for flight. Can you guess what that modification is? Birds have hollow bones, which makes their skeleton lighter and helps them fly. Closely observe the movement in a bird. Video, we learned that the forelimbs of birds are modified to be wings.
Their hind limbs are used for walking, running, and hopping. Their shoulder bones help them fly long distances. Their breast bones hold flight muscles, which are used to move their wings up and down. And their bones are hollow. So students, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे जो बर्ड्स का स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है वो उनको फ्लाई करने में, मूव करने में, रन करने में, होपिंग में हेल्प करता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देयर ब्रेस्ट बोन्स होल्ड फ्लाइट मसल्स विच आर यूज टू मूव देयर विंग्स अप एंड डाउन। वो बोल रहे हैं कि जो बर्ड्स की ब्रेस्ट बोन होती हैं, जो उनकी छाती में जो उनकी मसल्स होती हैं, वो उनके जो विंग्स हैं, ठीक है, उनको ऊपर और नीचे, अप और डाउन लेके जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देयर शोल्डर बोन हेल्प देम फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस। जो उनकी शोल्डर बोन्स होती हैं, ठीक है, ये जो उनकी शोल्डर बोन्स हैं, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करने में फ्लाई करके, जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर कर सकते हैं फ्लाई करके, ठीक है, वो अपनी शोल्डर बोन की हेल्प से लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देयर हिंड लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, रनिंग एंड होपिंग। वो बोल रहे हैं कि जो उनकी हिंड लिम्स होती हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हो जो उनकी हिंड लिम्स होती हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वो किसके लिए यूज़ करते हैं, वॉक करने के लिए, रन करने के लिए और होपिंग करने के लिए। नेक्स्ट, देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड टू बी विंग्स। और जो उनकी फोर लिम्स होती हैं, ठीक है, ये उनकी जो फोर लिम्स होती हैं वो किस में मॉडिफाई होती हैं, विंग्स में, ठीक है। Their backbones or the backbone of birds are hollow, which makes their skeleton lighter and help them fly. जो उनकी bones होती हैं बच्चे, birds में जो bone पाई जाती हैं, आपको पता है ना कि जितनी भी कोई चीज़ जितनी ज़्यादा heavy होएगी उसको fly करने में उतनी ज़्यादा difficulty होती है, लेकिन जो birds होते हैं उनमें क्या है, जो उनकी bones होती हैं, ठीक है, वो hollow यानी कि बीच में से खोखली होती हैं, खाली होती हैं, जो उनके स्केलेटल को क्या बनाती हैं, लाइटर यानी कि वेट में हल्का बनाती हैं, ठीक है, जो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्नेक एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बर्ड के बारे में पढ़ा, अब हम उसके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन योर SB 21। 18.1 क्वेश्चन है आपका। इज द बैकबोन ऑफ अ स्नेक इज मेड ऑफ वन लॉन्ग बोन और मैनी स्मॉल बोन्स, जस्टिफाई योर आंसर। उन्होंने हमसे पूछा है कि जो स्नेक की बैकबोन होती है क्या वो एक ही लॉन्ग बोन से बनी होती है या फिर स्मॉल बोन्स यानी कि छोटी छोटी बोन्स की बनी होती है। देखिए बच्चे, यदि एक ही स्नेक में लॉन्ग बोन होगी, आपको पता है ना कि जो हमारी एक बोन होती है वो कभी भी बेंड नहीं हो सकती या कर्व्स में उसके लूप्स नहीं बन सकते, ठीक है, उसी तरह स्नेक में भी क्या है, जो उनकी बैकबोन होती है वो छोटी छोटी स्मॉल बोन्स की बनी होती है, ठीक है, जो उनकी बैकबोन होती है वो स्मॉल बोन्स की बनी होती है, जिससे क्या है, वे अपनी बॉडी को कर्व कर सकते हैं इनटू लूप्स, ठीक है। द बैकबोन ऑफ अ स्नेक इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। जो स्नेक की बैकबोन होती है वो कई स्मॉल बोन्स से बनी होती है। दिस मेक्स इट बॉडी फ्लेक्सीबल, जिससे क्या है, उनकी जो बॉडी है फ्लेक्सीबल होती है। इफ़ द बैकबोन इज मेड ऑफ वन लॉन्ग बोन इट वुड नॉट बी एबल टू कर्व इट्स बॉडी एंड मूव। वो बोल रहे कि यदि स्नेक की जो बैकबोन है एक लॉन्ग बोन से बनी होगी तो वो कभी भी अपनी बॉडी को कर्व्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता और ना ही वो मूव कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन 18.2 यूजिंग अ डायग्राम एक्सप्लेन हाउ स्नेक्स मूव। वो बोल रहे हैं कि एक डायग्राम की हेल्प से आपने हमें बताना है कि स्नेक्स कैसे मूव करते हैं। अ स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, ईच लूप पुशेस बैक अगेंस्ट द ग्राउंड हेल्पिंग इट टू मूव फॉरवर्ड। वो बोल रहे हैं कि जो स्नेक है, ठीक है, वो अपनी बॉडी को कर्व करता है इनटू मैनी लूप्स, जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि जो उसकी बॉडी है स्नेक की वो उसको कर्व करते हैं इनटू मैनी लूप्स, और हर जो उसका लूप है वो क्या करता है, उसे ग्राउंड के अगेंस्ट पुश करता है, जिससे वो क्या है, हेल्प होती है उसकी आगे मूव करने में, ठीक है। ये डायग्राम के
हिसाब से आप उन्हें समझा सकते हो, जैसे ये स्नेक की बॉडी को उसने कैसे कर्व किया हुआ है इनटू लूप्स और कैसे हर लूप उसे पुश करता है, ठीक है, टू मूव फॉरवर्ड, जिससे स्नेक क्या है वो फॉरवर्ड मूव कर सकता है। हाँ जी, तो आर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन 18.3, स्नेल्स एंड स्नेक्स बोथ स्लिथर, अ स्नेल does not have an endoskeleton but a snake does, explain a common feature in both that help in their movement। उन्होंने पूछा कि जो स्नेक है और स्नेल, ठीक है, अपने स्नेल के बारे में भी पढ़ा था ना, वो दोनों स्लिथर यानी कि रेंगते हैं ना, वो आगे आगे मूव करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को घसीटते हुए। अ स्नेल डज नॉट हैव एन एंडोस्केलेटन, जो स्नेल है उसका अपने पढ़ा था ना कि स्नेल में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है, एक्सोस्केलेटन शेल पाया जाता था उसमें, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि स्नेल में तो एंडोस्केलेटन नहीं होता, उसमें तो एक्सोस्केलेटन होता है ना, और स्नेक में क्या होता है, एंडोस्केलेटन। वो बोल रहे हैं फिर भी दोनों स्लिथर करते हैं, उनमें क्या कॉमन फीचर्स हैं, यानी कि उनमें क्या कॉमन है जो उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। अ कॉमन फीचर इन अ स्नेल एंड अ स्नेक इज दैट दे बोथ हैव मसल्स दैट हेल्प इन अ मूवमेंट। अपने स्नेल में भी पढ़ा था ना कि स्नेल्स की जो मसल्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग फुट मसल्स होती हैं उनमें, जो उनको मूव करने में हेल्प करती है, और स्नेक में भी क्या है, उनकी मसल्स की हेल्प से वो फॉरवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। तो उन दोनों में क्या कॉमन फीचर्स हैं, उन दोनों में मसल्स होती हैं जो उनकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। हाँ जी, तो आर नेक्स्ट क्वेश्चन 18.4 इज, एनिमल ए हैज़ अ फ्लेक्सिबल बैकबोन एंड कैन नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने हमें पूछा है कि एक एनिमल है, सपोज किया उसका नेम ए है, ठीक है, वो बोल रहे हैं उसमें फ्लेक्सिबल बैकबोन है एंड कैन नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, पर वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाता। स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाता तो मीन्स वो कैसे मूव कर रहा है, कर्व्स में, ठीक है। इट मेक्स लूप्स टू मूव, वो बोल रहे हैं कि वो मूव करने के लिए लूप्स बनाता है, ठीक है। तो और नेक्स्ट उन्होंने पूछा, एनिमल बी डज नॉट हैव बोन बट हैज अ ब्रिस्टल्स दैट हेल्प इट गेट अ ग्रिप ऑन द ग्राउंड। वो बोल रहे कि एक एनिमल है बी, ठीक है, जिसके पास बोन्स नहीं है, लेकिन वो क्या यूज करता है, बट उसके पास क्या है, ब्रिस्टल्स हैं जो उसे ग्रिप करने में हेल्प करते हैं ऑन द ग्राउंड। एनिमल सी हैज एन एक्सोस्केलेटन एंड अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फुट, ठीक है, और वो बोल रहे हैं जो एनिमल सी है उसके पास एक्सोस्केलेटन है और स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फुट है, ठीक है। और वो आप उन्होंने पूछा है नेम ईच एनिमल बेस्ड ऑन द गिवन क्लूज, तो उन्होंने जो हमें क्लू दिए हैं एनिमल ए, एनिमल बी और एनिमल सी के रिलेटेड, उनके हिसाब से आपा ने बताने हैं एनिमल्स के नेम। तो फर्स्ट देखिए, उन्होंने जैसे हमसे पूछा है एनिमल ए हैज़ फ्लेक्सिबल बैकबोन एंड कैन नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, इट मेक्स लूप टू मूव फॉरवर्ड। वो बोल रहे हैं कि जो एनिमल ए है उसके पास फ्लेक्सिबल बैकबोन है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाता, वो लूप्स बनाता है मूव करने के लिए। तो ये कौन सा एनिमल था, हमने अभी अभी पढ़ा है ना, स्नेक। हाँ जी, स्नेक का हमने यही देखा था ना कि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, ठीक है, उसकी जो बैकबोन है वो स्मॉल बोन्स की बनी होती है, ठीक है, जो उसे लूप्स बनाने में हेल्प करती है, जो उसे फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करती हैं। तो एनिमल ए हमारा कौन सा होएगा, एनिमल ए वुड बी अ स्नेक एज इट हैज़ अ फ्लेक्सिबल बैकबोन एंड कैन नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मेक लूप्स टू मूव फॉरवर्ड। और नेक्स्ट उन्होंने पूछा एनिमल बी डज नॉट हैव बोन्स, कौन सा एनिमल था जिसमें बोन नहीं होती, हमने उसके बारे में पढ़ा था ना। एनिमल बी में उन्होंने बोला कि बैकबोन नहीं होता, उनमें कोई भी बोन नहीं होती, लेकिन उनमें क्या होती है, ब्रिस्टल होती हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं ग्रिप ऑन दी ग्राउंड में। तो ऐसा कौन सा एनिमल था जिसके बारे में हमने पढ़ा था, हाँ जी, एनिमल बी वुड बी एन अर्थवॉर्म एंड एज इट डज नॉट हैव बोन्स बट हैज अ ब्रिस्टल एंड ब्रिस्टल्स हेल्प इट टू गेट अ ग्रिप ऑन दी ग्राउंड। हमने पढ़ा था ना कि अर्थवॉर्म में बॉन्स नहीं होती, लेकिन उनके पास क्या होते हैं, उनकी बॉडी में ब्रिस्टल्स होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं ग्राउंड पे ग्रिप करने में। देन उन्होंने पूछा एनिमल सी हैज एन एक्सोस्केलेटन एंड अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फुट, कौन सा एनिमल था बच्चे जिसके पास एक्सोस्केलेटन था और उसके फुट जो उनके हैज अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फुट, और उनके पास क्या थे, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फुट थे, कौन सा एनिमल था, हाँ जी, स्नेल। स्नेल में हमने पढ़ा था ना कि स्नेल हैज एन एक्सोस्केलेटन एंड
आ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फुट, जो स्नेल्स होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन शेल होते हैं और उनके पास स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फुट होते हैं जो उन्हें ग्राउंड पर मूव करने में हेल्प करते हैं। तो हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19.1, लिस्ट द वेज इन विच बर्ड स्केलेटन इज मॉडिफाइड अलाउइंग इट टू फ्लाई। वो बोल रहे हैं कि बर्ड के स्केलेटन सिस्टम को किस चीज़ में मतलब आपने लिस्ट द वेज, ऐसे वेज बताने हैं जिससे क्या है बर्ड्स के स्केलेटन सिस्टम को मॉडिफाई किया गया है जिससे वो अलाउ करते हैं उन्हें फ्लाई करने के लिए। तो उसमें क्या है, देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स विच हेल्प देम फ्लाई। जो उनकी विंग्स होते हैं, फोर लिम्स होती हैं, उनको किस में मॉडिफाई किया जाता है, विंग्स में, जो उनकी हेल्प करते हैं फ्लाई होने में, ठीक है। देन देयर बोन्स आर होलो, दिस मेक्स देयर स्केलेटन लाइटर एंड हेल्प्स देम फ्लाई। उनकी जो बोन्स होती हैं, हमने पढ़ा था ना कि जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, होलो होती हैं, ठीक है, जो उनके स्केलेटल को क्या बनाती हैं, लाइटर बनाती हैं, जो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, दे हैव स्ट्रॉन्ग शोल्डर बोन्स विच हेल्प दैम फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस। और उनकी जो शोल्डर बोन्स होती हैं बच्चे, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हिंड लिम्स एंड फोर लिम्स ऑफ अ बर्ड। उन्होंने पूछा है कि आपने बर्ड्स की हिंड लिम्स और फोर लिम्स के फंक्शंस को डिस्क्राइब करने की, उनकी क्या क्या वर्क होती है। हिंड लिम्स ऑफ अ बर्ड्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, रनिंग एंड होपिंग। वो बोल रहे हैं कि जो बर्ड्स की हिंड लिम्स होती हैं वो उन्हें वॉक, वो किसके लिए यूज़ करते हैं, वॉक करने के लिए, रन करने के लिए और होपिंग करने में, ठीक है। देन फोर लिम्स ऑफ अ बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स अलाउइंग इट टू फ्लाई। जो बर्ड्स की फोर लिम्ब होती हैं वो किस में मॉडिफाई की होती हैं, उनके विंग्स में, जो उन्हें फ्लाई करने के लिए अलाउ करती हैं। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन हाउ द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स वुड बी इफेक्ट डिड इफ दे डिड नॉट हैव होलो बोन्स। वो बोल रहे हैं कि बर्ड्स की जो मूवमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि उनकी जो बोन्स हैं वो होलो नहीं होएंगी, ठीक है। तो बर्ड्स हैव अ स्पेशल अडेप्शन दैट मेक्स देम फिट टू फ्लाई, द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर होलो विच मेक्स देयर स्केलेटन लाइटर एंड हेल्प्स देम फ्लाई। इफ बर्ड्स डिड नॉट हैव होलो बोन्स देयर स्केलेटन वुड हैव बीन हैवियर विच वुड मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू फ्लाई। वो बोल रहे हैं कि बर्ड्स में एक स्पेशल फीचर होता है जो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करता है। क्या फीचर होता है, कि जो उनकी बोन्स है बच्चे वो होल होती हैं, बीच में से खोखली होती हैं, ठीक है, जिससे क्या है उनका जो स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल है वो क्या बन जाता है, लाइटर, यानी कि वेट में हल्का हो जाता है, जिससे वो इजिली फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि उनकी बोन्स होलो नहीं होएंगी तो क्या होएगा, उनका स्केलेटल क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, जिससे क्या है उन्हें फ्लाई करने में क्या होएगी, डिफ़िकल्टी, यानी कि उन्हें मुश्किल होएगा। आपको पता है ना, किसी भी हैवियर चीज़ को फ्लाई करने में, ठीक है, मुश्किल होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।